पंजाब की सियासत कभी बादल परिवार के इर्द गिर्द सिमटी रहती थी। हालांकि साल 2017 के बाद से पंजाब की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2017 के बाद से अकाली दल ने न केवल सत्ता से दूर है बल्कि विधायकों की संख्या भी घटकर अब इकाई अंक में पहुंच गई है। बीजेपी से गठबंधन टूटने और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद पहला लोकसभा चुनाव हो रहा है। प्रकाश सिंह बादल की सियासी विरासत संभाल रहे सुखबीर सिंह बादल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बठिंडा से चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। इस तरह सुखविंदर बादल पत्नी के सहारे अकाली और परिवार की सियासत को बचाए रखने की कवायद में हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। पंजाब का मालवा इलाका कभी अकाली दल का गढ़ हुआ करता था। मालवा क्षेत्र में 8 लोकसभा सीटें हैं जिसमें लुधियाना, फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, संगरूर, पटियाला भी, श्री फतेहगढ़ साहिब और आनंदपुर साहिब सीट शामिल है। किसान आंदोलन का पंजाब में सबसे बड़ा गढ़ मालवा रहा है। इसी का नतीजा है कि अकाली दल की सियासी जमीन पर मालवा में आम आदमी पार्टी अपना कब्जा जमाने में कामयाब रही। मालवा के इस इलाके में बादल परिवार की पूरी सियासत सिमट रही है। अकाली दल के मुखिया सुखबीर बादल 2019 में फिरोजपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे, जबकि उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बठिंडा सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं। इस बार बदले हुए सियासी माहौल में अकाली दल को अपनी परंपरागत सीट बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। शिरोमणि अकाली दल ने 27 साल के बाद पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन लोगों की निगाहें फिरोजपुर और बठिंडा जैसी सीटों पर लगी हुई हैं। फिरोजपुर की सीट से अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल चुनाव जीते थे, लेकिन अब की बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे। फिरोजपुर परंपरागत रूप से अकाली दल की मजबूत सीट मानी जाती है। इस सीट से अकाली दल की टिकट पर शेर सिंह गुभाया 2009-2014 में चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में सुखबीर सिंह बादल के चुनाव लड़ने के चलते उनका टिकट काट दिया गया था। शेर सिंह गुभाया अकाली दल को छोड़कर कांग्रेस से मैदान में उतर गए। सुखबीर से वो जीत नहीं सके थे, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर से शेर सिंह गुभाया को उतारा है। अकाली दल ने नरदेव सिंह बाबी मान पर दाव खेला है, तो आम आदमी पार्टी से जगदीप सिंह काका बराड़ और बीजेपी से राणा गुरमीत सिंह सोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। बादल परिवार से किसी के ना उतरने से अकाली की साख इस सीट पर दाव लगी है, क्योंकि कांग्रेस के शेर सिंह गुबाया बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बठिंडा लोकसभा सीट पर काफी गुणा भाग के बाद अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल को उतारा है। यहाँ से 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं और अब चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस से जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू हैं, तो आम आदमी पार्टी से पंजाब सरकार के मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया किस्मत आजमा रहे हैं। खुड़िया पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को भी विधानसभा चुनाव में हरा चुके हैं। मालवा क्षेत्र के लिए निरंतर आवाज उठाने वाले लखा सिधाना ने भी अब की बार लोकसभा के चुनाव में ताल ठोक दी है। अकाली दल के बड़े नेता सिकंदर सिंह मलुका के परिवार की पुत्रवधु पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी परम पाल और बठिंडा से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। विपक्षी दलों ने हरसिमरत कौर के खिलाफ तगड़ी घेराबंदी कर रखी है। बठिंडा लोकसभा क्षेत्र में जो 9 विधानसभा सीटें हैं, मौजूदा समय में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अकाली के लिए मुश्किलें इतनी भर नहीं हैं। गठबंधन तोड़ने से नाखुश भाजपा भी अपने पुराने सहयोगी दल को जैसे सबक सिखाने पर आमदा है। उन्होंने जिस तरह परमपाल और कौर को प्रत्याशी बनाया है, उसके चलते सिख वोटों में बिखराव संभव है। प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल पहले अकाली का हिस्सा थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में चले गए। हरसिमरत से ही 2014 का आम चुनाव हारे थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मनप्रीत बीजेपी में एंट्री कर गए। इस बार हरसिमरत कौर के लिए टेंशन बने हुए हैं। प्रकाश सिंह बादल इसी लोकसभा क्षेत्र की लंबी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर रिकॉर्ड 5 बार मुख्यमंत्री बने। बादल 1967 में पहला और 2022 में अपना आखिरी चुनाव हारे। 1969 से लेकर 2017 तक वो कोई चुनाव नहीं हारे। बठिंडा सीट पर 17 बार लोकसभा चुनावों में से 10 बार अकाली दल का कब्जा रहा है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के शिरोमणि अकाली दल की पृष्ठभूमि से होने के चलते अकाली दलों के आधार वाले वोटों में सेंध की आशंका बढ़ गई है। बठिंडा सीट पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक बड़ा फैक्टर है। सिद्धू कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके थे। चर्चा थी कि कांग्रेस से नाराज सिद्धू के पिता बलकौर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं।
लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मना लिया है। सिद्धू की हत्या से नाराज लोगों ने संगरूर सीट पर उपचुनाव में आपको हरा दिया था। बलकौर के समर्थन के ऐलान से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है, बादल परिवार के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। प्रकाश सिंह बादल, उनके भाई महरूम गुरदास सिंह बादल, बेटे सुखबिंदर बादल, भतीजे मनप्रीत सिंह बादल और पुत्र वधु हरसिमरत कौर बादल पिछले कई दशकों से लोकसभा विधानसभा में नुमाइंदगी करते आ रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बादल, मनप्रीत सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल पिछला विधानसभा 2022 चुनाव हार गए थे। सुखबीर बादल वर्तमान सांसद जरूर हैं, लेकिन इस बार चुनाव मैदान में नहीं हैं। बादल परिवार से एकमात्र चेहरा सांसद हरसिमरत कौर बादल ही चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में बादल परिवार के लिए अपनी सियासी विरासत को कायम रखने के लिए हरसिमरत कौर बादल की जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सुखबीर बादल के समक्ष अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल के जरिए ही बादल परिवार की विरासत को कायम रखने का अवसर है, लिहाजा अपनी पत्नी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सुखबीर बादल भटिंडा पर खास तवज्जो दे रहे हैं और छोटे से छोटे फैक्टर को अकाली दल के पक्ष में करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी का अलग से चुनाव लड़ने और मलूक परिवार के बीजेपी में जाने से पैदा हुए सियासी हालात से बादल परिवार को कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में देखना है कि हरसिमरत कौर कैसे अकाली दल और बादल परिवार की विरासत बचा पाती हैं।